Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our second session on law of crimes. I'm sure aap sab logo ne hamara pehla session dekha tha, wherein we discussed about the introduction to crime. We talked about what is crime, crime kis tarike se ek individual aadmi agar dusre ko pareshan karta hai to aisa lagta hai that person has created some trouble to the society at large. Agar koi banda किसी के घर में जाकर चोरी करता है तो हमें यह समझ में आता है कि नुकसान उसी एक बंदे को हुआ, पर ओवरऑल वी फेल्ट बैड एंड thereby सच काइंड ऑफ क्राइम, सच काइंड ऑफ ऑफेंसेस, सच काइंड ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम्स आर नॉट ट्रीटेड बिटवीन टू पार्टीज, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड क्राइम. ओके, सो और हमने वहां पे देखा था दैट क्राइम के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज मेंस रिया एंड एक्टस रियस. मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट. ये हमने देखा था, और उसके साथ साथ हमने देखा था दैट देयर आर यू कैन से सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेसेस ऑन द क्राइम, दैट वाज देयर वाज एन इंटेंशन, देन दैट देयर वाज प्रिपरेशन, एंड देन देयर वाज अटेम्प्ट, एंड देन देयर वाज कमीशन. ठीक है, अब ये जो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट है वहां पे हमने डिफरेंशिएशन देखा था. आई एम श्योर आप सब लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाई होगी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके साथ जो हमने क्वेश्चंस दिए थे वो आपने देखे होंगे. आज हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड इंटेंशन वर्सेस मोटिव, उनके बीच का डिफरेंस. आज हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, पर एक अच्छा सा डिस्कशन का मोड है जिसके द्वारा वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. क्राइम होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे. ये कंसेप्चुअल सेशन है, इसको बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर देखिएगा, नोट करिएगा, और आपके मन में जो जो भी सवाल अगर पैदा होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा. इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ दैट लॉ ऑफ क्राइम टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन और एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. सो बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सो लेट मी स्टार्ट विथ यू कैन से टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. सो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का मतलब हो गया कि भैया क्या इनग्रीडियंट है क्राइम होने के लिए. सो इनग्रीडियंट है गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड. ठीक है, विदाउट गिल्टी माइंड हाउ कुड समवन डू गिल्टी एक्ट, दैट इज द मीनिंग, है ना. विदाउट गिल्टी माइंड हाउ कुड समवन डू, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदे की वजह से किसी को नुकसान हुआ, मैं बाइक चला रहा था और मेरा मतलब मेरे निग्लिजेंस की वजह से, मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, निग्लिजेंस की वजह से मैंने बाजू में चलने वाली मर्सिडीज को एक स्क्रैच लगा दी. ठीक है, सो नाउ दैट इज आई डिड नॉट हैव अ गिल्टी माइंड. ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे सामने वाले को एक भुगतान करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा. दैट्स इट आई विल नॉट बी पनिश्ड. पर अगर मैंने जानबूझ के, है ना, मैंने जानबूझ के अगर कुछ किया, दैट इज गिल्टी माइंड के साथ कुछ किया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो क्राइम इज इक्वल टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया. अ लैटिन मैक्सिम सेज एक्टस नॉन फेसिट निसि मेंस सिट रिया. इट सेज दैट एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस माइंड इज ऑल्सो लीगली ब्लेमवर्दी. जैसे ये भाई साहब है, इस भाई साहब को मार रहे हैं विद एन इंटेंशन कि सामने वाले का चेहरा कैसा बिगड़ जाएगा, देन इट इज कॉल्ड क्राइम. ओके, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, फॉर अ फिजिकल एक्ट टू बी टर्म्ड अ क्राइम इट मस्ट बी एकम्पनीड बाय नेसेसरी मेंटल एलिमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट मेंटल एलिमेंट द एक्ट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ क्राइम. अनलेस दिस मेंटल एलिमेंट इज प्रेजेंट नो एक्ट इज यूजुअली इन क्रिमिनल इन नेचर. This is very important. So all crimes have a physical element and a mental element. और ये दोनों चीज मिलाकर crime बोलते हैं. Physical element is called actus reus and mental element is called mens rea. ठीक है, चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं. What is actus reus? Actus connotes deed. Actus मतलब कोई action, which is a physical result of some human conduct.
And word rias means forbidden by law. Rias means forbidden by law. Again, so that means actus reus in common parlance means guilty act. It means, you can say, it means three things. One, there is an action, result of an action. Again, there is an action, there is a result, and such act is being prohibited by law. That is called actus reus. So there is an action, us action ka result hona chahiye. Again, mano ko ek galat action hai. That means kisi ko marna is matlab is tarike se action karna, par usko laga hi nahi. Mera haath hawa mein se chala gaya. So there was no result. Okay, theek hai, chaliye, great. So that means ye tino teen cheeze honi chahiye. So one can say that actus reus is an act which is bad, prohibited, blameworthy or culpable. Theek hai, kya hona chahiye? Ya to wo kharab hona chahiye, ya to wo prohibited hai, ya to blameworthy hai ki isne kiya aisa bolenge, ya to culpable hai, crime hone ke kabil hai. Theek hai, that is called actus reus. Theek hai, now there are certain unique situation when the act itself may appear to be criminal act, yet it cannot be termed as actus reus. Dekhne se lagta hai that it is basically a bad act, par fir bhi wo crime nahi gina jata aur wo actus reus mein nahi mana jata. For example, ek executioner ka kaam hai, theek hai, ki logo ko matlab fansi pe latkana. Ab fansi pe latkana dekhne se lagta hai ki are ye to galat kaam hai, but he was legally authorized to do that. An army man kills a man which is basically a part of his duty, so there is no actus reus. Theek hai, so ye dhyan rakhna zaruri hai that actus reus, theek hai, which is a bad act, remember, a bad act per se cannot become a crime. Theek hai, to have it to be committed crime, theek hai, usko kahin na kahin law ke dwara prove karna padega that this act will be treated as a crime. Okay, chaliye, does an act in an actus reus include omissions? Matlab ye zaruri hai ki actus reus mein koi action hona chahiye? Shayad main koi kaam, meri duty thi aur wo maine nahi perform kari, to wo bhi actus reus mein aa sakta hai? Possible hai. Illegal omissions can be treated as crime. Illegal omission can be treated as a crime. Theek hai, ek example deta hu that recently in one of the we can say place nearby, and main jahan rehta hu wahan pe nazdik mein surat mein ek shop ka inauguration ho raha tha. Shop thi first floor ke upar, theek hai, aur unhone, aur uski entry thi mall ke andar ki side se, to unhone temporary mall ke outside se ek seedhi banayi, ek platform banaya, aur platform se unhone entry di. That was a temporary purpose, kyunki inauguration ho raha tha. Theek hai, अब वो टेम्पररी पर्पस कर दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओमिशन क्या हो गया? दे डिड नॉट एनविसाज कि इसके ऊपर अगर बहुत सारे लोग आ गए और अगर वो गिर गया और उसकी वजह से कोई मर गया, सो देयर इज अ प्रॉब्लम. इनफैक्ट उस दिन हुआ भी वैसा, बहुत सारे लोग आए, चढ़े और वो गिर गया, गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड इलीगल ओमिशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलीगल ओमिशन. रिमेंबर, मियर मॉरल ओमिशन, ठीक है, वो उसकी ड्यूटी थी और मॉरली उसको करना चाहिए था, ठीक है, और उसने नहीं किया तो उसको एक्टर सीरियस में नहीं गिना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा बाजू में एक घर है, वो आग से जल रहा है, वहां पे अंदर कुछ लोग हैं, और आपकी मॉरल ड्यूटी थी कि वहां पर जाकर उनको बचाओ, पर आप शायद डर गए या आपको लगा कि यार मैं जाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, या आपको मतलब शायद इंटरेस्ट ही नहीं हुआ लोगों को बचाने का. वॉट एवर इज अ रीजन, वो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी और आपने मॉरली उसको ओमिट किया, विच विल नॉट बी पुट इनटू एक्टस रियस. ध्यान रखना, इट इज इलीगल ओमिशन. इलीगल ओमिशन का क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग अ कंपनी एंड आपको इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, और आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, विच इज इलीगल ओमिशन. सिंपल सा मतलब है, ठीक है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं. अ मैन इज सिंकिंग इन द स्विमिंग पूल ऑफ अ रिसोर्ट. अ बॉय हु इज बिसाइड द पूल डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू सेव दिस मैन. दिस इज अ मॉरल ओमिशन फॉर नॉट सेविंग समवन्स लाइफ. द बॉय कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर सच ओमिशन. रिमेंबर दैट. बट इन द सेम सिनेरियो, इफ देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन द ड्यूटी एट दिस रिसोर्ट
And if he does not make any attempt to save the person who is sinking in the pool, then he will be held criminally liable for such omission. So, samajh aa raha hai sab actus reus ka matlab? Bilkul dhyan rakhna. Actus reus is a guilty act. Par wo guilty act ka ye bhi matlab hai ki koi cheez aapne omit kar di, jo aapko legally karni chahiye thi, par aapne illegally usko omit kiya. That will also termed as a guilty act. Okay? Chaliye aage badhte hain. Theek hai. Next is called mens rea. That's called guilty mind. That is called ill intention. Theek hai. There are two constituents of mens rea. Aage humne dekha tha actus reus ke teen constituent the. Mens rea ke do constituent hai. There must be a mind at fault or there is an intention to commit crime. Number one. And number two, the act becomes criminal when the actor does it with a guilty mind. So one, there is an intention to constitute crime, and jab wo act criminal ban jayega jab usne guilty mind ke saath kiya. Theek hai, dhyan rakhna, this is a very important thing. Note, causing injury to an assailant in self-defense is not a crime, but the moment the injury is caused with the intention to take revenge, then it becomes criminal. Self-defense ke liye nahin, but jab revenge ke nazariye se ho gaya, to obviously usko crime gina jayega. Theek hai? So therefore, for any crime to exist, physical element of crime needs to be complemented by mental element. Theek hai? So koi bhi crime hone ke liye mental element hona bilkul avashyak hai. Remember, ye jo mens rea ka jo concept hai na, wo evolve hua tha England mein by 17th century. Theek hai? Judges began to hold an act done could not create criminal liability unless it was accompanied by guilty state of mind. Dhyan rahe, India mein jo IPC hai, uske andar mens rea alag se nahi bola hai. Theek hai? So India mein IPC mein, that is Indian Penal Code ke andar ye mens rea nahi bola hai. Par aise word use kare hai which tells that it was a guilty mind. Word kya use kare? Fraudulently, knowingly, dishonestly. Is tarike se word use hue hai aur iski wajah se hum ye bol sakte hai that was a mens rea present. Guilty mind was present. Okay? And sometimes there are strict liability. Okay? There are strict liability. Now this is a very important concept. Okay? Bilkul dhyan se samajhiyega. Okay? So there are some exceptions to the rule of thumb which says mens rea is to be present when there is an act which is committed. Okay? That is a rule of thumb. Crime hone ke liye mens rea hona zaruri hai. But there are exceptions. Okay? Now, ye jo bhi exceptions hai, wo kyaan se develop hote hai? It is coming out of strict liability. Okay? Strict liability se ye bante hai. For example, strict liability se kya kya cheeze banti hai? Ek law hai, jiska naam hai Negotiable Instrument Act 1881. Negotiable Instrument Act 1881 ऐसा बोलता है that कि अगर आपने किसी को कोई negotiable instrument माने कि check issue करा है और वो check bounce हो गया, ठीक है, आपने उस check को और मतलब honor नहीं किया, तो automatically आपका intention नहीं था कि आप सामने वाले को पैसा नहीं देना चाहते थे, पर कोई भी XYZ कारणों की वजह से आपका check bounce हो गया, that means you मतलब सामने वाला बंदा आपको केस कर सकता है और आपने क्राइम किया ऐसा गिना जाएगा. ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल, आपने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, ठीक है, आपने सब सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर रखा हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई कारण से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, यू आर क्रिमिनली लायबल. ठीक है, यू आर क्रिमिनली लायबल, आपका इंटेंशन नहीं था. ठीक है, अब जैसे मैंने एक केस अभी आपको बताया था दैट देयर वाज अ बिल्डिंग, है ना, उस बिल्डिंग में एक नया शॉप खुल रहा था, आगे से उन्होंने एंट्री लगाई व्हिच वाज इलीगल, ओमिशन था, उस ओमिशन में उनका कोई इंटेंशन थोड़ी था कि लोग आएंगे हम उनको मारना चाहते हैं, दे हैड इंटेंशन टू गिव पॉजिटिव बेनिफिट टू द पीपल, उनको यह था कि लोगों को इजी एक्सेस मिले तो हम उनको बेनिफिट करना चाहते हैं, पर उस बेनिफिट की वजह से किसी को नुकसान हो गया और लोग मर गए, so that comes strict liability, that comes under strict liability. So there are special acts like Negotiable Instrument Act, Customs Act, Information Technology Act, Income Tax
ऐसे बहुत सारे एक्ट है जिसके अंदर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्रिएट होती है. सच डीम लायबिलिटी डिसरिगार्ड्स वेदर देयर वाज एक्चुअली एनी मेंस रिया और नॉट, उसका कोई मतलब ही नहीं है. मेंस रिया था कि नहीं था, दैट इज इमटीरियल इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस. सो दैट कम्स विद अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. ठीक है, आई होप दैट इज वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, आप कार चला रहे हो और कार आपकी कोई कारण से फुटपाथ पे चढ़ गई और वहां जो लोग सोए थे उनको प्रॉब्लम हो गया. आप बोलो कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, समाउ आई कुडंट कंट्रोल. ठीक है, पर भैया आप दारू पी के चला रहे थे, तो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है. पर बाय एक्सीडेंट गलती से वो गाड़ी यूं चली गई, तो वो एक्सीडेंट आपको डिफेंस मिलेगा. पर अदरवाइज दारू पी के चलाया, विच इज कमिंग अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ठीक है, हम इस इश्यू को वापस देखेंगे. ये मैं इश्यू इसलिए लेकर आया क्योंकि वहां पे उस बंदे का गिल्टी इंटेंशन नहीं था, उसके बावजूद हमने उसको बोल दिया उसने क्राइम किया है, तो वो एक्सेप्शन बताने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करी है. सो प्लीज ये चीज का ध्यान रखिएगा. ये जो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला पार्ट, उसको अच्छे से समझिएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव. ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स को ये चीज में बड़ा डिफरेंस, मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है, और इसी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्पेशल चीज मैंने बना के रखी है. सो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, लेट्स टॉक अबाउट अ केस. ठीक है, देयर इज श्रीरंगाई केस था. ठीक है, देयर वाज अ वुमन इन अ शियर डेस्टिट्यूशन. व्हाट इज डेस्टिट्यूशन? डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी. ठीक है, डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी, भरपूर गरीबी, फुल ऑफ हंगर, अपनी अपने आप को खाना भी नहीं दे पाए, उतनी ज्यादा गरीबी. एन इम्पॉवरिशमेंट. ठीक है, अटेम्प्टेड टू किल हरसेल्फ आफ्टर फेलिंग इन ऑलवेज टू अरेंज फॉर फूड फॉर हर स्टार्विंग चिल्ड्रन. वो वुमेन अपने स्टार्विंग बच्चों को खाना नहीं दे पाई, ऑल मेथड्स हैव बीन एग्जॉस्टेड, एंड देन शी रियलाइज नाउ शी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो शी अटेम्प्टेड सुसाइड. बट सिंस शी नोइंगली डिड अ प्रोहिबिटिव एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड विच इज एन एक्टस रियस. ठीक है, और शी वॉज नोइंग इट कि वो क्या कर रही है, शी वॉज हेल्ड गिल्टी बाय कोर्ट. मोटिव उसका जो भी था, इंटेंशन वॉज रॉन्ग. सो इन अ क्रिमिनल लॉ, इन द क्रिमिनल लॉ, ठीक है, एनी एक्ट इज डन इंटेंशनली देन इट इज कॉल्ड क्राइम. सो वॉट इज इंटेंशनली डूइंग? दैट इज डन विलफुली एंड नॉट एक्सीडेंटली एंड मिस्टेकनली. विलफुली किया है. अ पर्सन डूइंग एन एक्ट इज वेल अवेयर अबाउट द कंसिक्वेंसेस और द आउटकम ऑफ हिज एक्ट और ओमिशन. ठीक है, दैट इज ऑल वॉट इज रिक्वायर्ड टू फिक्स क्रिमिनल लायबिलिटी. ठीक है, इट डज नॉट मैटर इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वॉट एवर वी से, उसका इंटेंशन अच्छा था या बुरा था, दैट इज अगेन से इमटीरियल. वॉट इज ऑफ मटीरियल इज इट इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज डन विलफुली नोइंगली विथ एन अवेयरनेस कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने वाला है. सो दैट इज कॉल्ड इंटेंशन. वापस समझते हैं. ठीक है, वापस समझते हैं इंटेंशन. ठीक है, इंटेंशन होना दैट इज एन एक्ट करना. मोटिव क्या होता है? तो बहुत बार हमें इंटेंशन के बारे में जानना हो तो पहले मोटिव के बारे में जान लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा. मोटिव इज एन अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट एक्ट, कि वो करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. इट्स अ ड्राइविंग फोर्स. वो क्यों इतना गुस्सा आ गया, क्यों उसने ये गलत काम कर दिया. ठीक है, रिमेंबर क्रिमिनल लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी काइंड ऑफ मोटिव. ठीक है, मोट क्रिमिनल कल्पेबिलिटी फिक्स करने के लिए मोटिव जरूरी नहीं है, इट इज इंटेंशन विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड दिस इज अ रीजन व्हाई अ क्रिमिनल लॉ डज नॉट केयर वेदर वन इज स्टोलन अ लोफ ऑफ ब्रेड टू फेड द स्टार्विंग पर्सन और स्टोलन अ मेडिसिन टू सेव समवन्स लाइफ. ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज प्रोहिबिटेड एक्ट एंड डन नोइंगली इट विल बी टर्म्ड एज अ क्राइम. सिंपल सा मतलब है. ओके, सो इंटेंशन था चोरी करने का एंड द एक्ट वॉज प्रोहिबिटेड. दे वर नोइंग इट. अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए ब्रेड की चोरी करना, ठीक है, अपने बच्चों को बचाने के लिए मेडिसिन की चोरी करना विल बी ट्रीटेड एज चोरी किया है. सिंपल सा मतलब है. उनका मोटिव कुछ भी हो, इट इज इमटीरियल.
मोटिव से कोई फर्क पड़ता नहीं है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज अ गुड कंपैरिजन बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव. ठीक है, चार चीजों से हम डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे. सबसे पहला उसका मीनिंग क्या है. इंटेंशन रिफर्स टू अ पर्पसफुल एक्शन एंड अ कॉन्शियस डिसीजन टू परफॉर्म एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. सो दिस इज पर्पसफुल एक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन. ठीक है, मोटिव रेफर्स टू द अल्टीरियर कॉज. ठीक है, एक ऐसा इंटेंशन. ठीक है, अब जैसे अलेक्जेंडर का इंटेंशन था पूरे देश पे राज करना, पूरे वर्ल्ड पे राज करना, दैट वॉज हिज इंटेंशन. अब उसका इंटेंशन जो भी था, दैट इज ही मटीरियल. और वो जो वॉर में जाकर अनाप शनाप लोगों की हत्या करता है, वॉर टाइम क्राइम करता है. ठीक है, अब उसका अल्टीरियर मोटिव जो भी हो, ठीक है, या उसने अपनी माता ओलंपिया को बचाने के लिए ये सब लड़ाई लड़ी हो, इट इज इमटीरियल. ठीक है, अल्टीरियर कॉज क्या है, दैट इज इमटीरियल. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अल्टीरियर कॉज यहाँ पे आता है. भाई इंटेंशन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, वो उसका फोकस है कि ये करना है, ये ड्राइविंग फोर्स का काम करता है. इंटेंशन बहुत एक्सप्रेस क्लियर कट होता है. ठीक है, और जब मोटिव होता है उसका वो इम्प्लाइड होता है. ठीक है, इनडायरेक्टली उसको ये करना था. और क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, इट इज सब्सटेंशियल टू डिटरमाइन द क्रिमिनल लायबिलिटी. सो वी हैव टू लुक ओनली फॉर द इंटेंशन, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू लुक एट द मोटिव. लुक एट इट सेज इट इज इनसब्सटेंशियल टू डिटरमाइन द क्रिमिनल लायबिलिटी. क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए मोटिव कोई काम का नहीं है. ठीक है, व्हाट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इट इज ओनली द इंटेंशन व्हिच इज वेरी क्लियर फैक्टर. ओके चलिए ग्रेट. सो दिस इज अबाउट द इंटेंशन एंड मोटिव. अब हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. ठीक है, भारत में क्रिमिनल लॉज कैसे है, ये पार्ट को मैं दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करूंगा. ये पहला पार्ट मैं आपके सामने आज डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, ताकि उसके लिए अलग से सेशन चाहिए, विच आई विल डिस्कस विद यू. ओके नाउ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब कोई भी क्रिमिनल लॉ कोई भी कंट्री में बनाया जाता है, उसके पांच ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कौन सा ऑब्जेक्टिव है, पहला है रिट्रीब्यूशन. अब इसका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, अभी मैं बताता हूं. दूसरा है डेटरेंस, इनकैपेसिटेशन, रिहैबिलिटेशन and restoration. These are the five widely accepted objectives of criminal law enforcement. Criminal law ko enforce karne ke liye panch mahatvapurna objective hai jo aapke samne hai. Bilkul yaad rakhiyega, exam mein sawal pucha jayega. Retribution, deterrence, incapacitation, rehabilitation, restoration. Theek hai, chaliye dekhte hai kya kya hota hai. Panch ek hi slide mein aapke samne likha hai. और मुझे पांचों पांच एक साथ डिस्कस करना था, इसकी वजह से एक स्लाइड पे है, समय लगेगा इसको समझने में, फटाफट काम करते हैं इसको. रेट्रिब्यूशन, ठीक है, रेट्रिब्यूशन का मतलब होता है कि एक तरीके से लोगों को न्याय देना. ठीक है, एक तरीके से खून का बदला, खून. किसी ने किसी को मारा तो सामने वाले को उतनी पनिशमेंट तो होनी चाहिए. ठीक है, बराबर, दैट इज कॉल्ड रेट्रिब्यूशन. So it this theory basically deals with righting of balance. If criminal has done a wrong towards a person or a property, he needs to be given penalty in a manner which balances out the wrong done. Okay. For example, if a person has committed murder, so he can be delivered a capital punishment to balance out the suffering caused to a victim. Okay. आपने देखा होगा Nirbhaya case का जब judgment आया और उसकी वापस पिटीशन फाइल करी गई थी, उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन का इनकार कर दिया, उनको कोई लीवे नहीं मिलेगा ऐसा बोल दिया. तब जो निर्भया के पेरेंट्स थे उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि आज हमें न्याय मिला है. ठीक है, न्याय मिलने का यह मतलब हो गया कि जिसने जितना बड़ा क्राइम किया है उतनी बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड राइटिंग ऑफ बैलेंस. ठीक है, देन आता है दूसरा डेटरेंस. डेटरेंस का मतलब होता है इट इज बेसिकली टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम रिपीटिंग अ क्राइम और टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम इवन कमिटिंग क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटरेंस. डेटरेंस एक तरीके का मतलब रुकावट पैदा करता है. ठीक है, डेटरेंस सर्व्स एज अ मेजर टूल इन मेंटेनिंग जनरल लॉ एंड ऑर्डर. हम लोग रास्ते पे बाइक लेके जाते हैं, हम बहुत तेजी से गाड़ी नहीं चलाते
क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने रोड मतलब ये रूल ब्रेक कर दिया तो हमें पनिशमेंट पे करनी पड़ेगी, फाइल मतलब फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है. एंड देयरफॉर इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इन द क्राइम सेइंग दैट इट विल स्टॉप पीपल. बहुत बार फांसी की सजा या ऐसी भारी भरकम सजा इसीलिए सुनाई जाती है दैट इट इज अ डेटरेंस, ठीक है, लोगों को रुकावट पैदा करता है. देन आता है इनकैपेसिटेशन, ठीक है. इनकैपेसिटेशन का मतलब होता है कि अब उस बंदे को इनकैपेसिटेट कर दे, उसको कैपेबल ना बनाए ताकि उसको हम या तो जेल में डाल दे ताकि वो बाहर कोई गलत काम नहीं कर पाएगा, या हम उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दे ताकि वो इस दुनिया में रहे ही नहीं, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी इज टू सेग्रीगेट क्रिमिनल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सो दैट इज कॉल्ड इनकैपेसिटेट करना, उनको एक तरीके से कैपेबल ही नहीं बनाना, दैट इज कैपेबल ही नहीं बनाना, दैट इज व्हाट द आइडिया इज, सो दैट इज कॉल्ड इनकैपेसिटेशन. फिर आता है रिहैबिलिटेशन. ये ऑब्जेक्टिव होता है पनिशमेंट का ताकि लोग ट्रांसफॉर्म हो जाए, उन्होंने जो गलती करी है उनको पछतावा हो और पछतावे के बाद दे रियलाइज कि उन्होंने गलती करी है और कुछ नई चीजें करने के लिए तैयार हो जाए. सो इट एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग द ऑफेंडर इनटू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस बाय कन्विक्टिंग द ऑफेंडर दैट देयर कंडक्ट वॉज रॉन्ग, ठीक है. उसको ये बताया जाए कि तुमने गलती करी है, अगली बार मत करना, तो एक तरीके का एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देकर उसको छोड़ दिया जाता है. ये भी उसका पर्पस होता है ना. न्याय प्रक्रिया का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कानून को तोड़ने वाले हैं उनको रोका जाए, ठीक है, नहीं के कानून को तोड़ने वालों को मारा जाए, ठीक है. कानून को तोड़ने वाला या कानून को तोड़ने वाली पूरी प्रक्रिया को रोका जाए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन रिस्टोरेशन. दिस इज अ विक्टिम ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. द गोल इज टू रिपेयर थ्रू स्टेट ऑथोरिटी एनी इंजरी इन्फ्लिक्टेड अपॉन द विक्टिम बाय द ऑफेंडर. फॉर एग्जाम्पल, वन हु एम्बेजल्स, वी कैन से दैट मींस वो लोगों के पैसों का गबन करता है, इज रिक्वायर्ड टू रिपे द अमाउंट, ठीक है, विच ही इम्प्रॉपरली एक्वायर्ड, दैट इज रिस्टोर करना, उस बंदे को वो चीज वापस देना. रिस्टोरेशन इज कॉमनली कंबाइंड विद द अदर मेन गोल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट इन द सिविल लॉ. ये बहुत बार सिविल लॉ के अंदर ये ज्यादा आता है, क्रिमिनल लॉ में ये थोड़ा सा कम आता है, पर ये उसके पांच ऑब्जेक्टिव है: रिट्रीब्यूशन, डेटरेंस, इनकैपेसिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेशन. रिट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि हम चाहते हैं कि हम जो गलती हुई उसको वापस बैलेंस कर दे. डेटर करना, सामने वाले को डराना कि तुम ये मत करना. इनकैपेसिटेट कर देना, उसको सोसाइटी से दूर करना. रिहैबिलिटेट करना, उसको वापस सुधारना. और रिस्टोर करना मतलब जो विक्टिम को नुकसान हुआ है वो विक्टिम को वापस उसके अधिकार वापस दे देना, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है. सो द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज टू डिफाइन वैरायटी ऑफ क्राइम्स, कि भाई अलग अलग क्राइम जो जो हो रहे हैं उसको प्रॉपर डिफाइन करना. थेफ्ट किसको बोलते हैं, चीटिंग किसको बोलते हैं, मर्डर किसको बोलते हैं, होमिसाइड किसको बोलते हैं, दैट इज वॉट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिस्क्राइब एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर ईच क्राइम. हर एक क्राइम का एक प्रॉपर पनिशमेंट क्या होगा वो बताना बिल्कुल जरूरी है, ताकि कोई भी बंदे की मन मर्जी से किसी को सजा मिले वैसा नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज टू ले डाउन सुटेबल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर. दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. लोगों के ऊपर कैसे इन्वेस्टिगेशन करना और ट्रायल प्रोसीजर कैसे चलेगी वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है. नहीं तो लोग इन्वेस्टिगेशन अपनी मन मर्जी से करेंगे और ट्रायल प्रोसीजर सही तरीके से होगा ही नहीं. सो दैट इज बैड. ओके, दैट इज बैड. चलिए, ग्रेट. सो तो ये पर्पस है इंडियन क्रिमिनल लॉ का. सो हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं उसके सोर्सेस कौन से हैं? देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस. वन इज कॉल्ड इंडियन पिनल कोड, पॉपुलरली नोन एज आईपीसी, एंड सेकेंड इज कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलरली नोन एज सीआरपीसी. ओके, सो ये हमारे दो महत्वपूर्ण सोर्सेस है. आईपीसी 1860, ठीक है, एंड सीआरपीसी 1973. ईयर याद रखना है. सो आईपीसी डिफाइंस वेरियस क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट क्या होगी,
CRPC lays down the procedure for both police to investigate the crime as well as what sort of trial has to be done. That is what is mentioned in CRPC. Iske alawa, there are few other legislation which are very important called Indian Evidence Act. ठीक है, ये बताते हैं कि किस तरीके के evidences are admissible in the court. भाई किस तरीके के evidences को हम court में as an evidence accept करेंगे. और उसके अलावा there are special criminal laws which are passed by the parliament or state legislature. समय समय के मुताबिक ये लोग pass करते रहते हैं, जैसे Prevention of Corruption Act, Food Adulteration Act, Dowry Prevention Act, Commission of Sati Act. ये अलग अलग तरीके के ये law, ये जो parliament और state legislature है वो law pass करते रहते हैं. So these are the kind of, you can say, laws available for criminal law. ठीक है, now it is right time to talk about, you can say, in detail about IPC and CRPC. ठीक है, अब इसके लिए we'll have a separate session. Wait for our third session to come to you, and in that we are going to discuss about Indian Penal Code, CRPC, and from there we will now shift toward CLAT preparation. So this was basically मतलब theoretical session. इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, दो-दो तीन-तीन बार अपने concept इसे develop करिएगा. Okay? चलिए, thank you very much and all the best for, you can say, coming to ProTalent and watching these videos. And do tell us, बताइएगा हमें हमारे video आपको कैसे लग रहे हैं, आपके कोई special comment है, please बताइएगा. And we are very much thankful for giving us such a wonderful support on this particular channel. Do not forget to get this PDF on protalentdigital.com. Again, thank you very much and all the best.